ये दाल और चावल मिक्स हो गए। मोंटी के बर्थडे की तैयारी। One hour later. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो अभी कुछ दिन तक वॉइस अच्छी नहीं आएगी। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज मेरी एक प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो आप लोग से भी मुझे डिस्कस करना अच्छा लगेगा। तो मेरी जो जॉब थी वर्क फ्रॉम होम वो चली गई है। मतलब कंपनी में ही कुछ ऐसे इश्यूज आ गए हैं कि मैम ने सारे एम्प्लॉयज़ को मना कर दिया है कि अभी वर्क नहीं हो पाएगा, तो एक बार ऑफिस आकर मिल ले। तो हम लोगों को एक बार ऑफिस जाना है, तो आज हम लोग ऑफिस जाने का सोच रहे हैं, फिर जाकर मिलकर आएंगे। बट अब जो भी है वो वीडियो ही है, क्योंकि एक वर्क फ्रॉम होम था। अगर मैं जॉब करती हूँ, मतलब अगर मैं अदर जगह जॉब करती हूँ, तो फिर मैं वीडियोज़ पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी और मुझे वीडियोज़ पे ही ध्यान देना है। तो इसीलिए मैंने वर्क फ्रॉम होम ढूंढा था, बट अब वो भी चली गई है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब गाइज, मेरे वीडियोज़ को आज एक मंथ कंप्लीट हो चुका है और मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच और लव यू ऑल। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियोज़ में कोई कमी लगती है तो आप मुझे बताएं। और अब से मेरे ब्लॉग डेली 5 बजे अपलोड हो जाया करेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग मेरे वीडियोज़ डेली देखिएगा 5 बजे। तो गाइस, अब ना मुझे टिक्की पे रील्स अपलोड करनी है, वरना मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है क्रेजी से, क्योंकि मैं डेली भूल जाती हूँ। गाइस, अभी बज गए हैं 5:30 और अब हम लोग जाएंगे ऑफिस। बस क्रेजी का खाना हो जाए, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस, हम लोग ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। मैं देखिए सेल्फी कैन भी लेकर आई हूँ, अगर मैम ने पैसे दे दिए तो किराना सामान भी लेकर जाएंगे। तेल वगैरह, दाल वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। हल्की सी बारिश हो रही है, उसके भी मजे ले रहे हैं। तो गाइस, सर से बात हो चुकी है और सर ने कहा है कि वर्क 15 तक स्टार्ट हो सकता है, और पे आउट भी नहीं किया। अभी बोला है कि 15 को ही पे आउट भी मिलेगा और वर्क भी स्टार्ट होगा। अब देखते हैं अब क्या करते हैं, क्योंकि किराना तो लेना ही ज़रूरी है, तो किसी ने किसी से फ्रेंड वगैरह से लेना पड़ेगा, या तो फिर जो भी अकाउंट में जितना अमाउंट है उसका किराना ले लेते हैं अब। तो अब देखो वर्क स्टार्ट होता है या नहीं होता है, वो तो 15 को ही पता चलेगा। बट फिर भी एक शांता होना है कि चलो स्टार्ट हो जाएगा, इतनी दिक्कत तो नहीं होगी। देखो क्रेजी के हेयर कितने लॉन्ग हो गए हैं, ये हेयर कट करवानी पड़ेगी, पता है? नहीं, टेंशन में है अभी। गाइस, से ले सामान। देखो हम कितना सारा सामान लेकर आए, उठाने में इतनी दिक्कत हो रही थी। और आटा पता है कब से रखा है, 5 दिन हो गए हैं, अब लेकर आए हैं, अब टाइम मिला लाने का। इसके साथ पहने का क्या? जींस है ना? ना क्या कहाँ जाएगा तू? कहाँ शूट करवाएगा? परसों बर्थडे है। घूमूंगा और कहाँ जाऊंगा? ओ, हमको कहाँ ले जाएगा मोंटी? नहीं, इधर कहीं, इधर ही कहीं घूमूंगा। किसके साथ? इधर ही कहीं घूमूंगा। बहुत तेज हो रहे हो हैं। मेरे को मत बनाया करे तू। चलिए, और कहाँ? तो मुझे कहाँ ले जाएगा? प्लानिंग में मेरे को पता चल जाए। मोंटी के बर्थडे की तैयारी।
चावल पूरे धुल गए देखो। निकल जाना, हम तो पन्नी इसकी फट गई। दो मिनट के लिए भराऊंगा। ये दाल और चावल मिक्स हो गए। पॉलिथीन फट गई, ज्यादा सामान था ना। हाँ, अब इनका कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ खिचड़ी बन सकती है बस, क्योंकि इतने बिनने से तो मैं रही और है। ये बराबर कर, बहुत सारे हैं, सब बिखर गए। इसका पसारा देखो, इसने कितना पसारा फैला के बैठी। और पता है इसने क्या अक्कल लगाई, दाल और चावल मिक्स कर दिया। मेरी नहीं अक्कल लगाई, वो थैली में रख के दिया था ना वो दादा ने। तू रहने दे, तू साले को बम से उड़ा दूंगा। गाइज मैंने पूरा सामान जमा दिया है किचन का, अब हम लोग खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत जोर से। मिक्स दाल है जो मम्मी ने बनाई है, मैंने अंडा भुर्जी बनाई है, खिचड़ी है और रोटी। तो गाइज हम लोगों का खाना हो चुका है और अभी है ना हम दोनों के पास बैलेंस खत्म हो गया। मतलब मेरे पास तो बहुत दिन से बैलेंस है नहीं, बट क्रेजी के पास भी खत्म हो गया। तो अभी मम्मी से हॉट स्पॉट लेके बैलेंस करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर फोन चलाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुड नाइट, बाय बाय।